संदर्भ हेडिंग डाल लीजिए और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो संदर्भ देखिए, प्रस्तुत सवैया कवि रस खान द्वारा रचित रस खान ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक सवैया शीर्षक से लिया गया है। और ये जो पहला है इसमें देखते हैं हम लोग में रहेगा कि इस सवैये में कवि रस खान कहते हैं, ठीक है, कि कृष्ण की निकटता प्राप्त करने के लिए जो है, ठीक है, इसमें कवि जो है श्री कृष्ण से अपनी निकटता यानी कि उनसे नज़दीकी बनाने के लिए वर्णन किए हैं। तो अब देखते हैं हम लोग व्याख्या शुरू करते हैं कि मनुष्य हो तो यदि मैं मनुष्य का जन्म पाऊँ, यदि मैं मनुष्य हो जाऊँ, कवि कह रहे हैं कि अगर मैं मनुष्य हो जाऊँ तो वही रसखानी, रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मैं मनुष्य हो जाऊँ तो वही वहाँ का वहाँ मेरा बस हो, मैं वहाँ पे बसूँ जहाँ ब्रज गोकुल यानी कि ब्रज में गोकुल गांव के अंदर जहाँ ग्वाल बालाएँ रहते हैं, ग्वाल रहते हैं, वहाँ पे मेरा बसेरा हो। यदि मैं मनुष्य का जन्म पाऊँ तो मेरा बसेरा ब्रज में गोकुल गांव के अंदर हो जहाँ पे ग्वाल रहते हैं। और जो पशु हो तो यदि मैं पशु हो जाऊँ तो कहाँ बस मेरो, तो मेरा बस उसमें कहाँ होने वाला है, मेरा बस उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी चरोनित, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चरने के लिए लगातार नंद की धेनु मझारन, नंद बाबा की गायों के बीच में, मझारन का मतलब मध्य में, बीच में, नंद बाबा की गायों के बीच में मैं चरने के लिए जाऊँ। यदि मैं मनुष्य हो जाऊँ तो मैं मेरा बसेरा वहाँ पे हो गोकुल में, गोकुल गांव के बीच में, ब्रज के गोकुल गांव के ग्वाल बालाओं के साथ मेरा बसेरा हो। और यदि मैं पशु हो जाऊं तो मेरा बसेरा वहां पे हो जाए जहां पे वहां की जो गाय जहां चरती हैं वहां पे जो है मैं चरने के लिए जाऊं नंद बाबा की गाय के बीच में। और पाहन हो तो, पाहन का मतलब पत्थर, यदि मैं पत्थर हो जाऊं तो वही गिर को उसी पर्वत का मैं पत्थर बन जाऊं जो धरेव कर छत्र, जिसे धारण कर लिया था श्री कृष्ण ने छत्र की तरह, छत्र की तरह इंद्र के गर्व को घमंड को तोड़ने के लिए जिसे कृष्ण ने धारण कर लिया था, मैं उसी, अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का मैं पत्थर बन जाऊं। और जो खग हो तो यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो बसेरो करो, तो मेरा बसेरा कहाँ हो, मिली कलिंदी कुल, कलिंदी कुल का मतलब होता है यमुना नदी के किनारे कदम की डारन, कदम की डालियों पर मैं बैठकर बसेरा करूं। यदि मैं पक्षी हो जाता हूं तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम की डालियों पर बैठकर मेरा बसेरा हो। तो इसमें जो है आप लोग काव्यगत सौंदर्य लिख लीजिए, भाषा जो है ब्रज रहेगी सब में। और ये पहले वाले में जो है रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास है और छंद तो सवैया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं पूरा सवैया है। चलिए दूसरा शुरू करते हैं। आजू गई होती भो रही हौ रस खानी रही वही नंद के भव नहीं वाको जियो जुग लाख करोड़ जसुमती को सुख जात कहो नहीं तेली लगाई लगाई के अंजन भौ है बनाई बनाई के ढीढ़ो नहीं डारी हमेलनी हर निहारत वारत ज्यो चूचे कारत छौ नहीं। तो इसमें कह रहे हैं, इसमें जो है प्रसंग में लिख लीजिएगा कि यशोमती माता जो हैं, ठीक है, उनके वात्सल्य का वर्णन इसमें एक गोपी कहती है, ठीक है, एक गोपी कह रही है कि आज गई होती, अगर मैं आज गई होती, अगर आज मैं गई होती भोर ही, यदि मैं आज प्रातः होते ही गई होती रसखान, ठीक है, यदि रसखान जी कह रहे हैं कि एक गोपी कह रही है कि आज अगर मैं आज सुबह ही गई होती राई यानी कि वहाँ पे जहाँ प्रेम यानी कि रई का मतलब होता है कि जहाँ पे, ठीक है, उनको प्रेम होता है गोपियों को, वहाँ अगर आज मैं गई होती वही नंद के भवन नहीं वही नंद बाबा के भवन में यदि आज मैं गई होती तो वाको जियो, ठीक है, उनके जियो का मतलब जिए, जुग का मतलब कई साल जुगों तक, लाखों करोड़ों जुगों तक जिए, उनका पुत्र जो श्री कृष्ण है वह लाखों करोड़ों सालों तक युगों तक जिए और जसुमती को सुख जात कहो नहीं, यानी कि जसुमती का सुख जो है कहा नहीं जा सकता, किसी के मुख से, स्वयं जसुमती के मुख से भी
नहीं कहा जा सकता कि श्री कृष्ण को पाने के बाद उनको कितना सुख मिला है। और जब वह जाती तो कह रही है कि अगर मैं गई होती तो क्या देखती, तेल लगाई लगाई के अंजन। तो श्री कृष्ण को जसमती माता तेल लगाई लगाई के, तेल लगा लगा कर कह अंजन, और फिर उसके बाद अंजन लगाती हैं, काजल लगाती हैं और भौहें बनाई बनाई के, भौहें जो है उनकी बना बना के, और ढिठौने ही का मतलब क्या होता है, काला टीका लगाना, जो काजल का काला टीका लगाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो इस तरह से जैसे सिर होता है तो यहाँ कोने में ऐसे टीका लगा देते हैं, तो उसी तरह से कह रही हैं कि जो है टीका लगा लगा के ऐसा करती हैं जसमती माता, वही वह देखी होती है ऐसा वह अपना जो है वहाँ पे जैसे एक गोपी से बता रही है। और डारी हमेलन, हमेलन का मतलब गले में पहनने जाने वाला हार, तो डारी हमेलन यानी कि गले में पहलाने वाला हार जो है उसको उनको पहना के निहारित का मतलब देखती हैं, वारत ऐसा सुशोभित हो रहा है, गले में हार पहलाने के बाद ऐसा सुशोभित हो रहा है। उस समय जसमती माता इस तरह से दिखाई दे रही हैं कि ज्यों चुचकारत छौ नहीं, जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े को चुचकारती है ऐसी दिखाई दे रही हैं। तो ये हो गया दूसरा, इसमें जो है आप लोग काव्यगत सौंदर्य लिख लीजिए, रस जो है वात्सल्य रहेगा, अलंकार जो है अनुप्रास और यमक रहेगा, और क्या पहले वाले में अलंकार तो बताया ना, पहले वाले में अनुप्रास रहेगा, और फिर उसके बाद जो है इसमें गुण प्रसाद रहेगा, और भाषा वही ब्रज ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो है छंद सवैया ही रहेगा। अब देखते हैं तीसरा, तो इसमें जो है सबसे पहले आप लोग जो है क्या प्रसंग डाल लीजिए, संदर्भ सब में एक रहेगा, तो प्रसंग इसमें जो कवि हैं उन्होंने कृष्ण के बाल्य सौंदर्य का जो है चित्रण किया है, और गोपी कहती है इसमें भी जो है गोपी कह रही है कि धूरी भरे यानी कि धूल से भरे हुए अत्यधिक सुशोभित तो हो रहे हैं, श्यामुज का मतलब श्री कृष्ण जो हैं धूल से भर जाने के कारण अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, और तैसी बनी वैसी ही उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है, वह जो है धूल से भरे हुए जैसे सुशोभित हो रहे हैं वैसी ही उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है, और खेलते और खाते हुए फिरे मतलब चल रहे हैं, आगना मतलब आंगन में यानी कि आंगन में खेलते खालते हुए चल रहे हैं, और पैरों में पैजन का मतलब क्या होता है कि पैजनी यानी कि जो कहते हैं कि लोग जो स्त्रियां पहनती हैं पैरों में क्या उसे कहते हैं हमको, ठीक है, तो उसी को जो है ठीक है पहने हुए हैं, और बाजती बाज रहा है वह पैजनी पहने हुए हैं और जो बाज रहा है पैरों में, और पीली कछौटी और पीले रंग की जो है कछौटी यानी कि वस्त्र धारण किए हुए हैं, धोती पहने हुए हैं। वह छवि को इस छवि को देखकर रस खान जी कह रहे हैं, इस छवि को बिलोकत मतलब देखकर, इस छवि को देखकर वारत न्यौछावर होता है, न्यौछावर करता है कामदेव, काम का मतलब कामदेव, कला अत्यधिक कलायनित, कोटि का मतलब हो जाएगा कि सैकड़ों कलाएं जो है कामदेव प्रदर्शित कर रहा है उनके छवि को, उस छवि को देखकर कामदेव जो है लाखों करोड़ों कलाओं को जो है प्रदर्शित कर रहा है। काग के भाग उसी ही क्षण काग के भाग, हे सजनी, सखी कहती है एक सखी से, एक गोपी से कहती है कि हे सजनी काग के भाग यानी कि काग का मतलब कौवा, तो काग के भाग उसका जो है भाग कितना बड़ा है, कितना बड़ा है कि हे सजनी हरी हाथ यानी कि कृष्ण के हाथ से, सो का मतलब से, ले गया माखन रोटी, उनके हाथ से जो है माखन रोटी छीन कर लेकर चला जाता है, उस काग का कितना बड़ा जो है भाग्य है कि उनके हाथ उनके दर्शन कोई नहीं पाता और वह उनके हाथ से जो है माखन रोटी लेकर चला जाता है। तो इसमें जो है आप लोग लिख लीजिए, तो इसमें सबसे पहले काव्यगत सौंदर्य लिखिए, रस जो है वात्सल्य और श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, और जो है वही भाषा ब्रज है, और अलंकार जो है अलंकार अनुप्रास है, छंद तो सब में सवैया रहेगा। अब देखते हैं इसको चौथा, देखते हैं इसमें पहले आप लोग जो है प्रसंग लिख लीजिए, तो इसमें जो है
कह रहे हैं कि वो जो श्री कृष्ण हैं तो उन्हीं के जो है ठीक है, उनका जो गोपियां जो हैं उनके ठीक है, तो गोपियां वहां की कह रही हैं, उन्हीं का वर्णन कर रही हैं कि जो है हमको जब से छोड़ कर गए हैं, जादू सा कर गए हैं, तो वही बताया जा रहा है। देखिए, जा दिन ते वह नंद को छोरा, जिस दिन से, जा दिन से, जिस दिन से वह नंद बाबा का छोरा, नंद बाबा का पुत्र कृष्ण या बन बन में ठीक है, उस वन में धेनु चराई गई हो, जिस दिन से वह नंद बाबा का छोरा इस वन में गाय चरा के गया है, मोहन मोहन ताननी, और मोहन मोह लेने वाले तानी यानी धुन को, मोह लेने वाले धुन को गोधन गावत, जो वहां पे ब्रज में गीत गाया जाता है उसको गाया है, जो इस धुन में मोह लेने वाले धुन में जो गीत गाया है, बेनु बजाया, और बांसुरी, बेनु का मतलब बांसुरी बजा कर रिझाई गए है, हमको प्रसन्न कर गया है, रिझाए के चला गया है, वह दिन सो उफ दिन से कछु टोना सो, उस दिन से कुछ टोना जैसा, जादू जैसा करके चला गया है, रसखान ही मेरे, रसखान जी कह रहे हैं ये का मतलब हृदय में समाई गयो है, यानी कि वह हमारे हृदय में समा गया है, बस गया है, और को न कहूं कि कानी करे, कोई भी व्यक्ति किसी का कहा नहीं करता है, कानी का मतलब नहीं करता, कानी का मतलब किसी का कानी नहीं करता, किसी का कहा नहीं करता है, किसी का कहा नहीं सुनता है, शीघ्रो ब्रज, सभी ब्रज के वीर, सभी ब्रज के सखा, सभी ब्रज के मित्र बिकायु गए हैं, यानी कि बिक गए हैं, सभी जो हैं जैसे बिक गए हैं, उसी तरह से कोई भी किसी का कहा नहीं सुनता है, किसी का कहा कोई भी सुन नहीं रहा है, किसी का कहा कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, रस जो है श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्राच उत्प्रेक्षा श्लेष है, और जो है गुण माधुर्य है, और इसी तरह से भाषा जो है ब्रज रहेगी, छंद छवैया रहेगा, ये आप लोग जानते ही हैं। फिर पांचवा देखिए कि कान्ह भय, यानी कि श्री कृष्ण हो गए हैं बस बांसुरी के, बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब कौन हमको हमको चाहिए, हे सखी अब हमको कौन चाहेंगे, जो कृष्ण थे वो तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब तो हमको कौन चाहेगा, निष्घोष का मतलब रात दिन, रहे का मतलब रहेगी, संग मतलब साथ में, उनके साथ संग साथ लगी रहेगी, उनके साथ साथ लगी रहेगी, हे सखी अब तो बांसुरी के बस में श्री कृष्ण हो गए हैं, अब तो हमको कौन चाहेगा, और जो ये क्या कह रहे हैं कि रात दिन जो है वो तो अब उनके साथ रहेगी बांसुरी, यह सौतिन तापन, ठीक है, इस सौतिन का तापन क्यों सहिए, इस सौत का ताप हम लोग क्यों सहेंगे, इस सौत का ताप हम लोग क्यों सहेंगे, तो जो है उसी के बस में अब हो गए हैं, और जिन मोह लियो, जिसने मोह लिया मनमोहन को, जिसने मनमोहन को, मोह का मतलब मोह लिया है, मनमोहन का जो सबका मन मोहने वाले हैं उनको अपने बस में कर लिया है, उनको मोह लिया है, लियो का मतलब लिया है, और अब तो हमको जो है कौन चाहेंगे, रसखानी सदा, रसखानी, रसखान जी कह रहे हैं कि सदा हमको दहिए, दहिए का मतलब जलाएंगी, अब जो है वह हमको हमेशा जलाएगी, मिली आओ सबे सखी, कह रही है गोपी कि मिल आओ, मिलकर आओ सबे सखी, हे सब सखी मिलकर आओ, भाग चले हम लोग, भाग चलते हैं, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रही है, ब्रज में अब तो बांसुरी ही रहेगी, अब यहाँ से हम लोगों का जो है गुजारा नहीं है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, जब कोई प्रेम करने वाला ही नहीं यहाँ पे बचा है तो यहाँ से भाग चलते हैं। तो इसमें जो है काव्यगत सौंदर्य लिख लीजिए, तो इसमें जो है रस श्रृंगार रहेगा, गुण माधुर्य रहेगा, और अलंकार जो है अनुप्रास रूपक, और भाषा ब्रज, और छंद सवैया रहेगा, छंद सवैया और भाषा ब्रज तो सब में रहेगा। ये देखिए सवैये का आखिरी वाला बचा है, तो इसे भी देख लेते हैं, उसके बाद कवित्त एक है उसे देख लेंगे, बस समाप्त हो जाएगा। हीरोगी, तो इसमें जो है क्या कह रही है कि गोपी अपने जो है अंतर आत्मा में प्रकट करती है बांसुरी के प्रति जो है घृणा प्रकट कर रही है, ठीक है, तो क्या कह रही है कि मोर पंख,
मोर के पंख को सिर के ऊपर रखियो का मतलब है धारण करूंगी, यानी कि मोर के पंख को जिस तरह से श्री कृष्ण अपने ऊपर धारण करते थे सिर के ऊपर, उसी तरह से मैं धारण करूंगी। और गुंज यानी कि वैजयंती की माला गले में पहनूंगी, गरे का मतलब गले में, पहरोगी का मतलब पहनूंगी, और वैजयंती की माला जो है मैं गले में पहनूंगी। और ओढ़ी पीताम्बर, ओढ़ूंगी पीला वस्त्र जो है मैं ओढ़ूंगी, धारण करूंगी। लय लघुटी, लघुटी का मतलब लाठी, और लाठी लेकर बन गोधन, गोधन बनकर ग्वाल वालाओं के संग फिरूंगी, ग्वाल वालाओं के संग जो है मैं चलूंगी, खेलूंगी, घूमूंगी। और भावतो वही भाता है मुझको, वही सब कुछ भाता है मेरे रसखान, जो मेरे रसखान यानी श्री कृष्ण को भाता था वही सब कुछ मुझको अच्छा लगता है। सो तेरे कहे, और उन्हीं के कहने से, यानी कि वही जो उनको भाता है उसी के कारण कहे संग, उन्हीं के भाने के कारण, उन्हीं को अच्छा लगने के कारण स्वांग करूँगी, उसी तरह से मैं सब कुछ करूँगी। या मुरली, लेकिन एक काम नहीं करेगी गोपी, कह रही है कि मैं लेकिन एक काम नहीं करूंगी। या मुरली, इस मुरली को, इस बांसुरी को, मुरलीधर की, जो मुरली धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं, इनकी मुरली को अधरन धरी, जो ओठों पर रखते हैं, धरी का मतलब रखते हैं, धारण करते हैं, अधरा ना धरूंगी, यानी कि ओठों पर ना धरूंगी, नहीं धारण करूंगी। तो इसमें जो है कौन सा यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि अधरन और अधरा ठीक है एक ही बात आ रही है ना यहाँ पे, देखिए अधरान अधरान, तो यहाँ पे जो है यमक अलंकार है, दोनों का अर्थ अलग 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 है। तो यहाँ पे जो है काव्यगत सौंदर्य लिख लीजिए, तो इसमें जो है रस श्रृंगार गुण माधुर्य अलंकार यमक और अनुप्रास रहेगा। इसके बाद जो है हम लोग कवित्त देख लेते हैं, तो कवित्त में संदर्भ जो है एक बार लिख लीजिए इसका। तो प्रस्तुत पद्यांश रसखान द्वारा रचित, एक बार लिख लीजिए इसका। तो प्रस्तुत पद्यांश रसखान द्वारा रचित रसखान ग्रंथावली से कवित्त शीर्षक जो है यह लिया गया है, ठीक है। और इसमें प्रसंग जो है तो कृष्ण के वन लौटते समय उनके रूपों का जो है ठीक है चित्रण दो सखियां करती हैं, अनुमान लगा रही हैं ठीक है कि वही आ रहे हैं या फिर कोई दूसरा आ रहा है। तो एक कवित्त है ठीक है, एक ही कवित्त दिया है, ऊपर जो है सवैय था, एक कवित्त है। तो इसमें जो है देखिए है, देखिए अनुमान लगा रही हैं सखियां गोपिकाएं जो हैं, अनुमान लगा रही हैं कैसे। गोरज का मतलब जो गायों के खुर से निकलने वाली धूल, विराजे का मतलब विराजमान है, भाले मतलब मस्तक पर लहलाली तो सुशोभित होती है वनमाला, और वह ठीक है बनी वह जो गायों के खुर से निकलने वाली धूल जो है श्री कृष्ण के मस्तक पर विराजमान होने के कारण सुशोभित हो रही है। और आगे ग्वाल, आगे गया, आगे जो है गाय हैं, और पीछे पाछे का मतलब पीछे ग्वाल वालाएं हैं, गावे मृदमानी यानी कि मीठे बचनों में जो है वे लोग गाते हुए पीछे ग्वाल आ रहे हैं, आगे आगे गाय आ रही हैं और पीछे पीछे जो है ग्वाल वालाएं मृदमानी यानी मधुर वाणी से गाते हुए आ रहे हैं। तैसी ध्वनि, वैसी ही ध्वनि बांसुरी की है, मधुर मधुर जैसी जैसी मीठी मीठी ध्वनि श्री कृष्ण बजा रहे हैं बजाते हैं उसी तरह से जो है कोई बांसुरी बजाते हुए आ रहा है। तो ये लोग अनुमान लगा रही हैं, दो सखियां हैं जो अनुमान लगा रही हैं कि कौन आ रहा है। बंक चितवन, बंक का मतलब तिरछी, चितवन का मतलब नेत्र, और तिरछी नेत्र वाले मंद मंद यानी धीरे धीरे मुस्कानी रे, धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, तिरछी नेत्र वाले श्री कृष्ण को ही कहते हैं। तो ऐसा ही अनुमान लगा रहे हैं कि तिरछी नेत्र वाला धीरे धीरे मुस्काता हुआ आ रहा है। और कदम विपट, कदम के वृक्ष पर के निकट यानी कि तटनी के तट यानी कि यमुना नदी के किनारे के पास, कदम के वृक्ष ठीक है, यमुना नदी के किनारे के पास जो है कदम का वृक्ष है, वहाँ पर अठा चढ़ी यानी कि पत्थर, चढ़ी का मतलब चढ़कर ऊपर, अठा का मतलब पत्थर पर चढ़ी जाए, चढ़कर देखो पीठ पट यानी पीला वस्त्र पहराता हुआ आ रहा है। एक सखी अब यहाँ से कह रही है कि यमुना नदी के किनारे जो पास में एक कदम का वृक्ष है वहाँ पर जाओ और एक पत्थर पर चढ़कर देखो कि पीला वस्त्र कोई फहरा रहा है, पीठ पट यानी पीला वस्त्र कोई फहरा रहा है। रस बरसावे, रस बरसाता हुआ, तप बुझाई नैन
यानी कि तप को बुझाने वाला, जो संताप है उसको बुझाने वाला, और नयन यानी नेत्रों को और प्राणों को, रिझावे का मतलब प्रसन्न करने वाला, वह आवे रस खानी रे, वही रस खान आ रहा है, वही श्री कृष्ण आ रहा है। तो ऐसा जो है गोपिकाएं अनुमान लगाती हुई, ठीक है, कह रही थी। अब जाके हम लोग इसका काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। तो इसमें भाषा ब्रज ही रहेगी, रस जो है श्रृंगार है, रस जो है श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास और श्लेष है, छंद जो है कविता है, ठीक है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। और